कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब एकदम बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यस, तो रोज का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, बहुत सारे सुबह के काम हो गए हैं, बेड हमारे बिल्कुल अच्छे से सेट हो गए हैं, कपड़े चेंज हो गए हैं रोज के मेरे, ऑफ कोर्स नाइट ड्रेस चेंज हो चुका है, और ब्रेकफास्ट तो एवरीडे नहीं होता है, बट आज रोज का समर कैंप भी नहीं है, स्कूल तो अभी चल नहीं रहे हैं, तो सुबह सुबह बिटिया रानी फ्री है तो हम और ये साथ अभी में तो स्विमिंग क्लास चल रहा है। सेम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद आज घर में बहुत सारे काम है, रोज का स्विमिंग क्लास भी है, रोज का कुमोन भी है, ग्रोसरी भी पिकअप करना है, घर में भी बहुत सारे काम है। Let's see, क्या-क्या फिनिश कर पाते और क्या-क्या छोड़ देते हैं। Seven. On your mark. Get set. Go. और आफ्टर ब्रेकफास्ट रोज ने कुमोन करना भी स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, ट्यूशन का होमवर्क तो वो सुबह सुबह ही कर लेती है ब्रेकफास्ट वाले टाइम पर, बहुत इजी लगता है। ऋषि और मैं दोनों वहीं होते हैं, साथ में उसका भी हो जाता है, बहुत ही उसे अच्छा लगता है, एक फैमिली वाला यू नो माहौल। रोज तो 6 मिनट में अपना कुमोन आज फिनिश कर ली, ट्यूशन का काम। आई एम सो प्राउड ऑफ माय डॉटर। आप लोग कैसे करते हो छोटे बच्चों? बिटिया रानी मेरी एकदम अच्छे से रेडी हो गई है, ऐसा लग रहा पता नहीं कहां मैं इनको रेन में लेकर जा रही हूँ या इस रेनी, बट बैठना तो मुझे कार में ही है। बट रोज को देखिए, रेन बूट एंड रेन जैकेट एंड माय क्यूटी पाई। तो अभी सुबह सुबह 10 बज रहे हैं सुबह के, और हम दोनों जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं रोज? फ्रेंड मायर पिकअप और रिटर्निंग। या UPS स्टोर जाना है, हमें कुछ सामान रिटर्न करना है, और आज लास्ट डेट है, अगर आज नहीं गए तो वो सामान रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि यू नो ऋषु का ऑफिस चल रहा है, तो इस समय वो छोड़ करके मीटिंग छोड़ के तो ग्रोसरी पिकअप के लिए नहीं जाएंगे। बट सुबह जाओ या शाम को जाओ, आज फुल डे हम लोगों का बहुत ज्यादा बुक्ड है, तो ऋषु की भी स्विमिंग क्लासेस हैं, रोज की भी स्विमिंग क्लासेस हैं। ऋषु रोज के लिए चलो चलते चलते बात करते रहो मम्मा। प्रणाम भगवान जी, रोज को कर सके क्षमा कर दीजिए, डैडी को कर सके, मम्मा को कर सके, रोज को कर सके, ओके भगवान जी, सी सन भगवान, भगवान जी सी लेटर। मेरी बेटी कार में बैठने के बाद इतना लंबा डायलॉग जरूर बोलती है। मैंने उसको ऐसा सिखाया है जो उसे पूरा बोल लेती है, लव यू स्वीट हार्ट। मैंने ऐसे की, हाँ रोज ने ऐसे की। मैं आ गई हूँ यहाँ फ्रेड मायर वाले पिकअप जोन में, और मेरा अलग अलग पिकअप जोन यहाँ है, मैं बैक कैमरा करके आपको एक बार दिखाती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ हूँ चेक इन में, नंबर 1 वह ये वाला है, तो मैं इसमें अभी जगह खाली था तो मैं यहीं खड़ी हो गई, बाकी ये सारे नंबर्स अलग अलग हैं। ये पूरा पिकअप जोन है जो ब्लू कलर से बना हुआ है, तो इसमें जस्ट आना है, और वो जो सामने नंबर दिया हुआ है 425620, उस नंबर पे कॉल करके जस्ट बोलना है कि मैं इस वाले पिकअप लोकेशन पे खड़ी हूँ, वो लोग आपका सामान लाएंगे ट्रंक में डालेंगे, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी ही। पीछे देख सकते हैं ट्रंक में रख रहे हैं सारा सामान, खुद से ट्रंक अपना बंद करेंगे, एंड दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट 2 या 3 मिनट यहाँ वेट करना होता है, तो आप ग्रोसरी का लाइक 1-2 घंटा आपका अच्छा खासा बच जाता है, जो आप यहाँ घूमते हो यू नो, 2 सामान लेना होता है तो ऑलरेडी हम 5 सामान उठाने के शौकीन है, जो कि बच जाता है ना आने से। ऋषु ने बुके भी ऑर्डर किया था, जो कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता है, मेरी प्यारी सी फ्लावर को, ये प्यारा सा फ्लावर मिला हुआ है मेरी रोज को, ये प्यारा प्यारा बुके मिला है, आप कह सकते हैं उसे मिला है या मुझे मिला है, क्या फर्क पड़ता है ना। ये वी आर हियर फॉर इट, लेट्स गो। थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच। यू नो बच्चे कुछ भी कहते हैं यार, मुझे नहीं समझ में आता है, कभी तो मम्मियां बुरी हो जाती है, डांट दो तो
और कभी my mommy is the best mom ever and my daughter is the best daughter ever and he is the best dad ever. सब बच्चों को ऐसा लगता है ना कि उसकी मम्मा उसके डैडी बेस्ट है. नहीं नहीं, कभी कभी बहुत बुरे भी लगते हैं कि मेरे मम्मा और डैडा वर्स्ट हैं, बहुत डांटते हैं. तो अभी हम लोग आ गए सागर ग्रोसरी, मेरा फेवरेट. वही हमारी शॉपिंग डन, यहाँ की भी यूपीएस का भी काम हो गया, फ्रेड मायर का भी काम हो गया और बज रहे हैं 11 और नहीं हुई है कोई भी कुकिंग. रिजु को भूख लगी होगी तो बस फटाफट वाली एक रोटी और सब्जी बनेगी. चटनी मैंने ऑलरेडी बना दी है, खाना बहुत ही ऐसे ही अगड़म बगड़म वाला हो जाएगा. आई डोंट नो बट एक्चुअली शाही पनीर खाने का आज मन है तो हो सकता है मैं शाही पनीर भी प्रिपेयर करूँ, हो सकता है वो शाम को खा लूँ, अभी ना खा पाऊँ. बट एनी वे कोई नहीं, खाना खत्म होने के बाद मैं खाना दिखा रही हूँ. और रोज क्या खा रही है? लाइम. लाइम आज लगे हाथ थोड़ी फ्रिज की भी क्लीनिंग कर लेते हैं. वैसे रेफ्रिजरेटर में हमेशा ही क्लीन रखती हूँ, अरेंज करके रखती हूँ, लेकिन बीच बीच में सब्जियाँ थोड़ी सी खराब होने लगती हैं, चाहे आप उसको कितनी भी अच्छे से रखो. जैसे ये धनिया का नीचे का जो डंठल होता है ना वो खराब हो गया था तो मैंने अभी उसको ठीक किया. थोड़े से बेल पेपर थे जो साइड से खराब हो रहे थे उनको कट करके अच्छे से रखे. टमेटोज के भी थोड़े से वो सूख रहे थे तो मैंने उसके डंडे निकाल करके साइड में रख दिए हैं. तो ओवरऑल मतलब थोड़ा थोड़ा कर दो तो फ्रिज में से स्मेल नहीं आता है, फिर बहुत ही अच्छा लगता है. फ्रिज खोलो ना सब कुछ सही जगह पर मिलता है. तो बीच बीच में हफ्ते दिन पर मैं एक बार ये करती ही रहती हूँ तो बस वही अभी फटाफट चल रहा है. देन उसके बाद अभी शाही पनीर बनेगा, घर के बाकी के काम होंगे और हो जाएगा शाम और लग जाएंगे दूसरे और काम में जो कि आज फुर्सत नहीं मिलने वाला है. अभी बना लेते हैं शाही पनीर, जिसके लिए मैंने यहाँ कुछ पनीर लिए हैं. अब कितने हैं ये मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है. और साथ में ग्रेवी बनाने के लिए मैंने रफली चॉप्ड अनियन लिया है, थोड़े काजू हैं, थोड़े से गार्लिक हैं, थोड़े से जिंजर हैं और हरी धनिया आपके ऊपर डिपेंड करता है आप डालें या ना डालें. और टमेटोज हैं खट्टे वाले, ये मुझे थोड़ा खट्टापन पसंद है. और मसाले में मैंने जीरा, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च और होल रेड चिली और थोड़ा सा हींग, ये सारी चीज़ें
चीज़ें लिए हैं, और उसके बाद देसी घी में ये सारा प्रोसेस मैं करूँगी, और जितने भी मैं मसालों के नाम बताई हूँ सब कुछ इसमें एक साथ ऐड कर देंगे। सब कुछ भूनना है, जैसे भी आप भून लो, और साथ में ये काजू भी, आप चाहें तो काजू को पहले भिंगा करके उसका अलग से पेस्ट भी बना सकते हैं, बट ये प्रोसेस थोड़ा ईजी होता है और टेस्ट भी इसका ज़्यादा अच्छा आता है। तो लहसुन अदरक और काजू को मैंने पहले थोड़ा सा भून लिया था, उसके बाद मैंने उसमें प्याज डाला है और ढक करके उसको थोड़ा पकाएंगे, देन उसके अंदर टमेटोज ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे, और उसको थोड़ा सा गलने तक आपको पता ही है कि कितना उसको भूनना है। देन जब वो भून जाएगा उसके बाद उसकी प्यूरी बना लेंगे और छान लेंगे। तो ये प्रोसेस आपके सामने अभी चल रहा है। और अभी पनीर को थोड़ा सा मैरिनेट कर लेते हैं। थोड़ा हल्दी, थोड़ा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर मैंने उसके ऊपर डाला और थोड़ा सा नमक। उसके बाद उसको मैरिनेट करेंगे और 10 मिनट तक छोड़ने के बाद उसको देसी घी में मैं थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी। मुझे ये प्रोसेस पसंद है। वैसे शाही पनीर में ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोसेस आप करें, टोटली स्किप कर सकते हैं, बट जैसी जिसकी इच्छा है ना, मुझे ये वाला पसंद है तो मैं ये वाला कर रही हूँ। देन उसके बाद ग्रेवी बनाने के प्रोसेस के आगे चलेंगे। तो हो गया है मेरा सब कुछ अभी रेडी, आप देख सकते हैं, और ये पूरा प्रोसेस मैं देसी घी में कर रही हूँ। एक पैन लेंगे, देसी घी डालेंगे, उसके अंदर हींग, रेड होल चिली, थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा जीरा मैंने डाला है, दैट्स इट। और उसके बाद तेल में ही या घी में ही मैं थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी। फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है इस टाइम पर, अदरवाइज मसाले जल जाएंगे। देन उसके अंदर हम अपने प्यूरी को ऐड करेंगे जो ऑलरेडी बन चुका है। देन उसके बाद उसको अच्छे से भूनेंगे, लाइक कवर करके 2 या 3 बार उसको कवर करेंगे, फिर हटाएंगे, फिर चेक करेंगे। ये मेरा करने का तरीका है। वैसे चाहे तो इसको 5 मिनट के अंदर भी आप खत्म कर सकते हैं कि सब कुछ ऑलरेडी भुना हुआ है, तो ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, बट मुझे ऐसे ज्यादा पसंद है। और एक बार आप लोग ये प्रोसेस ट्राई करके देखिएगा, आई होप आपको वो ये ज्यादा टेस्ट में पसंद आएगा। थोड़ा टाइम लेगा ऑफकोर्स, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा आपके लग सकते हैं, बट काफी अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी इस टाइम पर जब वो मसाले ना किनारे से छोड़ने लगेंगे पैन में से, तो उसके अंदर दूध ऐड करेंगे। आपके पास अगर होल मिल्क हो तो वो ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम क्रीम नहीं ऐड करेंगे। और थोड़ा सा सब्जी मसाला, एवरेस्ट मीट मसाला, जो भी आपके पास मसाला हो वो डालें। थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर दिया है। कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा है इसमें, बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर को बहुत इन्हेंस करता है। देन कवर करके उसको 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू स्लो फ्लेम पर फिर से पकाएंगे। देन अपने पनीर हम इसमें ऐड करेंगे, और इसको जितना भी आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, बहुत गाढ़ी चाहिए, बहुत पतली चाहिए, उस हिसाब से आप कर लीजिए। देन धनिया पत्ता डाल करके थोड़ा सा कवर करके मैंने इसको 5 से 6 मिनट तक फिर से लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाया है, और ग्रेवी बिल्कुल रेडी, यमी यमी। और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, और ये प्रोसेस जो कि हर घर में चलता है, मेरे घर में भी चल रहा है। और अभी थोड़ी देर में रिशु भी ऊपर आएंगे और चाय बनाएंगे, जो आपके सामने अभी दिखेगा ही, मुझे पता है, इसलिए मैंने वॉइस ओवर में पहले ही बता दिया। तो वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, तो इस काम के बाद 1 कप चाय पियेंगे और उसके बाद बिल्कुल नहीं सोएंगे, लग जाएंगे अपने दूसरे काम में। और हो चुका है शाम, मैं नहा ली हूँ और रोज का दूध बना रही हूँ, इसके बाद उसको लेकर के जाएंगे कुमोन, देन स्विमिंग, जो कि आपके सामने अभी सब कुछ दिखने वाला है, मेरा होल डे, फुल डे। तो अभी हम लोग मतलब मैं अपनी बेटी को लेकर के, शी इज एट माय स्विमिंग क्लास, या, और ये है रोज का स्विमिंग स्कूल, और ये है रोज मैडम का बैकपैक, है ना रोज? यस, होल्ड इट, ये, आर यू एक्साइटेड रोज? यस, रोज इज सुपर एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड, लेट्स गो। फर्स्ट डे है इसलिए हम लोग थोड़े अर्ली आ गए हैं, लाइक 15 मिनट्स अर्ली हैं, बट ठीक है, एनीवे कोई नहीं, रोज का अभी फर्स्ट डे है, तो वो रेडी हो गई है बिल्कुल अच्छे से, अभी आके वो खुद दिखाएगी आप लोगों को, बहुत एक्साइटेड है। और ये है यहाँ का चेंजिंग रूम, और ये है
सावर रूम जो आफ्टर ये लोग स्विमिंग के बाद आते हैं और यहाँ सावर लेते हैं, तो मैं सावर दिला के ही यहाँ से जाऊँगी, बिकॉज घर पे जा करके ना वो नहलाने का झंझट अब नहीं रहेगा, अदरवाइज यहाँ से जाते ही तुरंत नहलाना पड़ जाता है। तो मैंने शैम्पू एंड ऑल सब कुछ मैं ले आई हूँ। Okay guys, so the pool is closed right now. It's gonna be open at 5:45. Yeah, we are waiting. And what time is it? 5:40. It's 5:40 and it's about to be 5:45, which means the pool is almost open. So it's almost been half an hour. Yeah. All the little bits. Yeah. आज का दिन मेरा कैसे बीता है मैं क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा है सुबह से मैं ही रोबोट बनी हुई हूँ यार। इट वॉज सुपर सुपर टायरिंग डे। मतलब बहुत कम ऐसा होता है, टायरिंग तो वो हाउसवाइफ के लिए हर डे ही हो जाता है, बट यू नो बीच में थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, फिर शाम का भी उतना ज़्यादा लोड नहीं होता है कहीं जाने का, तो थोड़ा सा ईजी फील होता है शाम को। बट आज मेरे को ना सो के उठते ही ऐसा लग रहा था कि मुझे 4-5 जगहें जाना है। लाइक भले ही आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाओ, बट आपको पार्किंग में गाड़ी डालना, वहाँ जाना, फिर वापस बैठना, फिर दूसरी जगह ड्रॉप करना, लाइक इट्स हैक्टिक, है ना। आई होप मेरे से आप लोग रिलेट कर सकते होंगे कि कभी कभी किसी किसी दिन मतलब कैसा जाता है, ऐसा लगता बज गई आज तो हमारी। बट यू नो लाइफ ही है ना, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा तो होता जाता रहता ही है, दैट्स ओके। शाम को कम से कम ये लगता है कि कर लिया, सारा काम कर लिया, अगर अच्छे से सब कुछ हो जाए ना तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ओवरऑल आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज रिशु का भी स्विमिंग का डे है, तो लेट्स सी कि वो कैसा करके आता है। जब इन लोगों का हो जाएगा ना, रिशु और रोज तो चलता रहेगा, रोज का रिशु का सेशन जब खत्म हो जाएगा तो मैं भी ज्वाइन करूंगी स्विमिंग क्लास, क्योंकि मेरा भी बहुत मन है। आई डोंट नो कि मैं कितना कर पाऊंगी, ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई तो दुनिया की सारी चीजें कर लेनी चाहिए। नहीं, वही जिसके लिए हम राजी हैं, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती सब कुछ ट्राई करना ही है, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसमें आपका शौक हो और आप नहीं कर पा रहे ये सोच करके कि डर लग रहा है, ये लग रहा है, नहीं नहीं ट्राई इट ना, नहीं अच्छा लगेगा छोड़ देंगे। तो चलिए, ओवरऑल अगर आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए करते हैं आप सभी लोगों को बाय बाय।